रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइबर न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान फातिमा। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के मामले खसूसी बराए सियासी अमूर इंजीनियर अमीर मुकाम के बड़े भाई जहान वली खान के सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज आमद पर मुस्लिम लीग नून यूथ मीडिया टीम सऊदी अरब के जनरल सेक्रेटरी फजल रहीम साफी की जानिब से शाये तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी काबरीन ने शिरकत की। शाये तकरीब से खिताब करते हुए जहान वली खान ने कहा कि इमरान खान की वजह से मुल्क की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित हुआ, मुल्क में माशी इस्तेकाम लाना मियाँ शहबाज शरीफ के अवलिन तरजीह है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में पख्तूनों के बहुत से मसाइल हैं, जिनको अमली जामा पहनाने के लिए अपनी तमाम तरकोशें ब्रोए कार लाऊंगा। इशाई तकरीर के मेज़बान फजल रहीम साफी ने जहान वली खान को उम्र की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हर अदवार में पख्तूनों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों पर वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम की काविशों को फरामोश नहीं किया जा सकता। आबिद शमून जान साहब का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे मेहमान को कवरेज दी, हमें कवरेज दी, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मैं अपने आज के मेहमान खसूसी का, जो पाकिस्तान से हमारे मेहमान जो उम्र के लिए आए थे और उन्होंने रियाज तशरीफ लाया, इंजीनियर अमीर मकाम साहब का बड़ा भाई है ये। पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज इन साथियों के विसात से मैं सफारत खाने गए थे और वहाँ के हालात से मैं मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पे हमारा कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे अफसर हमारा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे बंदे भी हैं। चार अफसरान जो हमारे हैं उनसे मेरा मुलाकात हुई, उनसे मैं इंशाल्लाह उसका आवाज़ और ये मुश्किलात का अजाला करने के लिए वो उनको मैं बताऊंगा और इंशाल्लाह वो पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह इसमें मेरा उम्मीद है कि वज़ीर आज़म तक वो आवाज़ रसाई होगी और ये इसमें वो अपना रोल अदा करेगा, इंशाल्लाह मुश्किलात में कमी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें साइबा न्यूज़ HD।